हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन फालतू जीरीबम तक बनने वाले उन सभी स्टेशनों के बारे में और उन स्टेशन पे कितने प्लेटफॉर्म बन रहे हैं इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। नंबर वन पर आता है इंफाल रेलवे स्टेशन। स्टेशनों पर दो ट्रैक और दो प्लेटफॉर्म होंगे। नंबर टू पर आता है फाइंग रेलवे स्टेशन, जो कि इंफाल से 9 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दो ट्रैक्स रहेंगे। नंबर थ्री पे आता है हाउचिंग रेलवे स्टेशन, फाइंग से 11 किलोमीटर दूर पे स्थित है। एक प्लेटफॉर्म तीन ट्रैक्स हैं। चोंग से 7 किलोमीटर दूर तिपुल रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दो ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। तिपुल से 36 किलोमीटर दूर नैनो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म तीन ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। नैनो से 19 किलोमीटर दूर पे संग रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तीन ट्रैक बनाए जा रहे हैं। होंगसंग से 61 किलोमीटर दूर टिंगुआ रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दो ट्रैक्स रहेंगे। टिंगुआ से 15 किलोमीटर दूर हाइफो दो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दो ट्रैक्स रहेंगे। हाइपो जोदा से 86 किलोमीटर दूर पर स्थित रानी गाइडरेनू रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म और एक ट्रैक है। रानी गाइडरेनू रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर रंगाई चंपा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दो ट्रैक्स मौजूद है। इंफाल से जीरीबम तक स्थित जीरीबम रेलवे स्टेशन 111 किलोमीटर दूर स्थित है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तीन ट्रैक्स मौजूद है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें वीडियो को। आगे इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को।